एक दिन और देखे रहन, गए बोला हमें पैसा बदे तब तक चला गए रहन। हर हर महादेव। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, इस समय बज रहे हैं 5:30 और मैं हो रही हूँ रेडी सीवा के घर जाने के लिए, क्योंकि तनु का शायद हाथ में मोच आया है कि टूट गया, मुझे भी नहीं पता है। तो आर्या से बोल रही हूँ कॉल लगा दो, तो वही कॉल लगा रही है। जब मैं बोली जब उठा लेगी तब बताना, बात कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ। आर्या को लेकर जाऊँगी, आर्या नहीं जाएगी क्योंकि आर्या का कल मैथ का मतलब हाँ कल मैथ का एग्ज़ाम है, तो उसकी वजह से वो नहीं जाएगी। तो बात करी तो वो बोली कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ बेटी को लेके। मैंने बोला हाँ टूट गया क्या? तो बोली नहीं टूटा नहीं है, मोच आ गया है। वही मैं हंस रही थी कि यहाँ तो हो रहा है कि टूट गया है टूट गया है। तो वो हॉस्पिटल जा रही है तो मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी। तो बाल उल बांध ली हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा लूँ, रेडी हो जाऊँ, फिर चली जाऊँगी। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, ब्लॉग अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हर हर महादेव। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं जा रही थी शिवा के घर, उसकी बेटी का हाथ में मोच आ गया है। ये लोग बोल रहे थे टूट गया, फिर बाद में पता चला मोच आ गया है, तो उसी को देखने जा रही थी। फ़ोन करी, रेडी हुई, तब तक पता चला कि वो लोग हॉस्पिटल गए, तो मैं नहीं गई देखने। अब फ़ोन आएगा अगर मतलब जल्दी वो लोग हॉस्पिटल से आ जाएंगे तो फिर मैं जाऊंगी देख के आऊंगी। आरा एकदम रेडी हो गया था, खड़ा हो गया था, मुझे जाना है, बैग बैग लेके खड़ा था, बैग वैग लेके खड़ा था, बट फिर नहीं गए। और इस समय बज रहे हैं 5:30। अभी को मिस्टर जी भी गए हैं, आए थे मिस्टर जी कुछ काम से, तो फिर गए हैं, फिर से काम पे चले गए। अब मैं भी रेडी होके बैठी हूँ, देखिए जाती हूँ कि नहीं, नहीं जाऊँगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्लॉग में बने रहिए। मुझे जाना है ब्लाउज देने के लिए, सिलने के लिए। कल जो साड़ी लेकर आई थी उसका ब्लाउज सिलवाना है करवा चौथ के लिए। कब है करवा चौथ? करवा चौथ 31 तारीख को है सर, तो अगर आज नहीं जाऊंगी तो कल जाऊंगी। कल मिस्टर जी बाहर जा रहे हैं तो वो 5:30 बजे तक निकल जाएंगे, तो वो चले जाएंगे तो फिर मैं जाऊंगी शाम को, देख कर आऊँगी ब्लाउज। ठीक है, तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। एक दिन और देखे रहन, गए बोला हमें पैसा बदे तब तक चला गए रहन। ए बताओ क्या होना? मैंगो का एक मैंगो एक खाले खाते हैं, ये लेके एक मैंगो ये दोनों। तुम्हें कौन सा चाहिए? खाले खाते में दोनों ले रहा हूँ। मैं नहीं लूंगी, बस दो ही। नहीं डैडी नहीं खाते, खाते
कितना हुआ भैया? 20। ए छोटा बा, ए गुरु 40। यू आर चलाक ब्रो, ओम यू आर चलाक ब्रो। फोन ना उठाओ, प्रदीप पे फोन करे। सो गाइज, अब निकल रही हूँ घर के लिए, तो ब्लॉग में बने रहिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल। अभी जा रही हूँ तो खाना बनाऊंगी, लेट हो रहा है, चलिए मिलती हूँ। ये देखिए पूरा घर, मतलब पूरा किचन अस्त व्यस्त है, इसको ठीक करना है। तो बर्तन तो नहीं साफ करूंगी लेकिन किचन पोछ दूंगी। और बड़े दुख की बात, आज मेरा ना ट्राईपोड जो है टूट गया है। सो गाइस, किचन साफ़ कर रही थी, किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो उसी को साफ़ कर रही हूँ। और मैं बता रही थी आप लोगों से कि मेरा ट्राईपोड ख़राब हो गया है। ख़राब हो गया क्या, एक्चुअली टूट गया है। और ये आरओ ने किया है, इतने अच्छे से रखी थी फिर भी टूट गया। तो देखती हूँ अभी काम वाम कर लूँगी तो उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। और फ्लिपकार्ट से मैं मंगाती हूँ, अगर लिंक चाहिए तो उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आ जाएगा तब दिखाऊंगी आप लोगों को। तो पहले मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ट्राईपोड ऑर्डर करती हूँ। मिस्टर जी से भी बोल के रखी हूँ, तो मिस्टर जी देखिए लेकर आते हैं कि नहीं लाते हैं। उनके पास टाइम रहेगा तो लेकर आएंगे, क्योंकि आज उनको 5:30 बजे उनका ट्रेन है, तो उनको जल्दी आके जल्दी निकलना है और मुझे भी जल्दी खाना बनाना है। सो गाइस, मेरा किचन क्लीन हो गया है और आरओ ने बेड भी ठीक कर दिया है। और अब बचा है झाड़ू पोछे का काम। तो अम्मा को फ़ोन करे, मतलब किया था आरओ, तो बोली आ रही हूँ, तो उनका वेट करूँगी अभी मैं। और आज मुझे सोना नहीं है क्योंकि मिस्टर जी जाएंगे, जैसा कि आप लोगों को बताई हूँ, तो खाना वाना बनाना है तो सोऊंगी नहीं। वीडियो वगैरह एडिटिंग करूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि 3:30 बजे मिस्टर जी आ जाएंगे, तो 5:30 बजे की ट्रेन है, तो 4 बजे तक चले जाएँ, 4:30 बजे तक चले जाएँगे, 4:30 बजे तक। तो खाना ज़रूरी है बनाना, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, तो दाल और चावल बनाना है और जीरा आलू, ठीक है। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।